Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading guys. You know, Modern Trading channel पर इस वक्त मैं ऐसी सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं आप सभी को पर डे एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बता रही हूँ, पर डे एक ऐसी कैंडल्स के बारे में बता रही हूँ कि ये कैंडल्स किस तरह से कैसे कब कहाँ क्यों कैसे वर्क कर सकती है, किस तरह से हम इनको मार्केट चार्ट पर आइडेंटिफाई करके हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इनकी विनिंग निकाल सकते हैं, कैसे हम इनके शॉर्ट शॉर्ट्स के पॉइंट गेन कर सकते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लुक्स लाइक्स टाइप्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं पर डे एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स को लेकर, जिसमें पार्ट वन की सीरीज़ में मैंने बताया था आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, एंड पार्ट टू की सीरीज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई डोजीज के बारे में, एंड पार्ट थ्री की वीडियो में हमने बात की थी शूटिंग स्टार्स के बारे में, पार्ट फोर की वीडियोस में मैंने बात की थी आप सभी से मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार्स के बारे में, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियो की वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, आज के पार्ट फाइव की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुबुजु कैंडल्स के बारे में, ग्रीन एंड रेड मारुबुजु कैंडलस्टिक्स, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे विनिंग निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो गाइज, आज का ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आप मारुबुजु कैंडलस्टिक्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप मारुबुजु कैंडलस्टिक्स को मार्केट चार्ट पर इजिली आप आइडेंटिफाई करके इन पर ट्रेड करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले। ओके, सो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट करके आप वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शोर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको आप अप्लाई करके फॉलो करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस, अगर आप सभी ने क्यूटैक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए। ओके, वहां से आप अकाउंट क्रिएट करके आईडी कंफर्म करवा के आप वीआईपी ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। ओके, मोर ट्रेड गेन करके मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वहां से वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, सो वीडियो शुरू करूँ, एंड मारुबुजु कैंडल्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ये किस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनके लुक्स टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करते हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, आज की पार्ट फाइव की इस सीरीज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक्स के बारे में, व्हाइट मारुबुजु कैंडलस्टिक्स एंड ब्लैक मारुबुजु कैंडलस्टिक्स, मतलब ग्रीन और रेड मारुबुजु कैंडलस्टिक्स, ये क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं इनके लुक्स के बारे में। ओके, तो ये मारुबुजु कैंडल्स, रेड की बात करती हूँ मैं, तो रेड मारुबुजु कैंडल्स ये कुछ इस तरह की होती हैं, आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपको इजली पहले दिखा देती हूँ फिर समझाती हूँ। ये कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें ओनली केवल और केवल बॉडी पार्ट होता है, शेडोज नहीं होती हैं, कोई लेग नहीं दे रखी होती हैं। ओके, तो इनकी खास बात ये रहती है कि इनका जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है, ओके, वो नीचे रहता है, इनका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है। ये ऊपर से कैंडल्स शुरू होती हैं, वहाँ से शुरू होकर के इनका क्लोजिंग पॉइंट डाउन डायरेक्शन की ओर रहता है, कोई शेडो नहीं होगी, कोई लेग नहीं होगा। ओके, एंड खास बात, मार्केट चार्ट में जब ये अप्लाई होंगी तो ये इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ओके, आप सब समझ देख सकते हैं। ओके, मार्केट चार्ट पे जब भी ये हमें रेड मारुबुजु कैंडलस्टिक्स देखने को मिलती है, वहाँ से हमारा इजली ट्रेंड डाउनवर्ड की ओर जाने वाला होता है। मारुबुजु कैंडल्स हमें देखने की मिलती है जब भी बिना शेडो की और बिना लेग की कैंडल हमें देखने को मिलती है रेड कलर की, मतलब वह अपने रेड कलर के ट्रेंड को फॉलो करने वाली है, डाउन डायरेक्शन की ओर मार्केट फ्लो लेने वाला है, डाउनवर्ड की ओर मार्केट जाने वाला है। ओके, और अगर मैं इसी के व्हाइट मारुबुजु कैंडलस्टिक्स की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, आप सब देख सकते हैं मारुबुजु कैंडल्स, इसमें भी कोई शेडो नहीं दी होगी, कोई लेग नहीं दिया होगा, ओनली बॉडी पार्ट दिया होगा। बॉडी पार्ट की खास बात कि इनका ओपनिंग पॉइंट जो होगा वो नीचे से शुरू होगा, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, नीचे से कैंडलस्टिक्स शुरू होती हैं, एंड इनका ओपनिंग पॉइंट नीचे से शुरू होकर ऊपर क्लोजिंग पॉइंट होता है। इसके अपोजिट मैंने इसमें बताया ब्लैक मारुबुजु कैंडल्स में क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है, ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है, और इसमें
ग्रीन कलर की मारो वुजू कैंडल्स में ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, ओके। सो जब भी ये मार्केट में हमें कुछ इस तरह की कैंडल्स दिखाई देती हैं, अगर हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है तो हमारा मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करने वाला होता है, अप ट्रेंड की ओर जाने वाला होता है। अपनी ग्रीन कलर की क्वालिटीज़ को ये अप्लाई करते हुए मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जाता है, ओके। एंड रेड कलर की जब मारुबुजू कैंडल्स हमें दिखाई देती है तो हमें रेड कलर की ये मारुबुजू कैंडल्स हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट हमारा वहाँ अपर टू डाउनवर्ड जाने वाला है, ओके। एंड अगर इसकी मैं एक और क्वालिटीज़ की बात करूँ, ये हमें कभी कभी हमें इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई हमें एक साथ ऐसी दो तीन ऐसी प्रॉपर वे में कैंडल्स स्टिक्स मिल जाती हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि मारुबुजू कैंडल्स है या फिर और, ओके। तो उनकी खास बात ये रहती है कि जब भी मारुबुजू कैंडल्स बनेगी, इससे पहले की जो कैंडल बनेगी वो हमेशा इससे बड़ी और इसके अपोजिट कलर की होगी, ओके। अगर हमारे मार्केट ट्रेंड चार्ट पर हमें ग्रीन कलर की मारुबुजू कैंडल दिखाई देती है तो इससे पहले वाली जो कैंडल होगी वो इससे बड़े पार्ट की, इससे बड़ी कैंडल होगी, मारुबुजू ही होगी, विदाउट एनी लेग, विदाउट एनी शेडोज की कैंडल होगी एंड इसके अपोजिट कलर की कैंडल होगी। अगर हमारी ये ग्रीन वाली कैंडल बनती है मारुबुजू कैंडल तो इससे पहले की कैंडल हमारी मारुबुजू कैंडल ही होगी लेकिन रेड कलर की, ओके। तो रेड कलर के बाद जब हमारी छोटी कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन मारुबुजू कैंडल ये इंडिकेट करती है मार्केट हमारा अपॉर्ट जाने वाला है, ओके। तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि हमारी इससे पहले चूंकि मारुबुजू कैंडल बड़ी बनी थी, अपोजिट कलर की बनी थी, तो यहाँ हमारा डेफिनेटली मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने वाला है, अपवर्ड की ओर जाने वाला है, ओके। अगर इसी की मैं बात करूँ ग्रीन मारुबुजू कैंडल्स की, ग्रीन मारुबुजू कैंडल में यही अप्लाई होता है। इसकी श्योरिटी ये रहती है कि अगर हमारी ब्लैक मतलब ये रेड कलर की मारुबुजू कैंडल्स बन रही है जिसमें कोई लेग नहीं है, विदाउट एनी लेग, विदाउट एनी शेडो मारुबुजू कैंडल बनी हुई है हमारी रेड कलर की, तो इससे पहले वाला जो कैंडल होगा वो हमारा ग्रीन कलर का और इस कैंडल से बड़ा कैंडल होगा, ओके। इन दोनों बड़ी कैंडल के हाफ पार्ट का ये मारुबुजू कैंडल बनेगा, ओके। अगर हमारी रेड वाली मारुबुजू कैंडल बन रही है तो इससे पहले वाला जो कैंडल होगा वो इससे बड़ा और अपोजिट कलर का होगा। रेड कलर कैंडल बन रही है मतलब इससे पहले जो वाली जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की, इससे बड़ी कैंडल होगी लेकिन मारुबुजू कैंडल ही होगी, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी लेग, ओके। तो होप्स आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ओके। तो मारुबुजू कैंडल जब भी हमें मार्केट चार्ट में दिखाई देता है जिसमें कोई शेडो नहीं होती, कोई लेग नहीं होती, ओनली ऑन बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट बन जाने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें यहाँ पर मारुबुजू कैंडल स्टिक्स देखने को मिल गई है, यहाँ हमारा ट्रेंड, यहाँ हमारा मार्केट, यहाँ हमारी नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड की ओर जाने वाली है, ओके। तो एक बार मैं आप सभी को फिर से क्लियर कर देती हूँ, जब हमारी मार्केट चार्ट में रेड कलर की मारुबुजू कैंडल बनती है तब हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला होता है, ओके। अगर वही मैं अगर इस ग्रीन मारुबुजू कैंडल की बात करूं तो मार्केट चार्ट में जब हमें ग्रीन मारुबुजू कैंडल दिखाई देता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल से हमारा मार्केट अपवर्ड की ओर जाने वाला है, ओके। तो आप इन दो पॉइंट्स को अच्छे से आप माइंड में रख के अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, विनिंग निकाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को इन्हीं कैंडल्स को लेकर के अप्लाई लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, उनको आइडेंटिफाई करके दिखाने वाली हूँ, ओके। सो होप्स आप सभी को ये मारुबुजू कैंडल्स आज की इस वीडियो के बाद अच्छे से समझ में आए होंगे, आइडेंटिफाई आप सब कर सकेंगे। पढ़े आप सभी को इस सीरीज़ में आप सभी को एक स्पेसिफिक कैंडल के बारे में बताई रही हूँ एंड आज की इस सीरीज़ के बाद हम कल एक नए कंटेंट में नए सीरीज़ के बाद के साथ मिलते हैं, ओके। सो अभी चलते हैं फिलहाल लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये मारुबुजू कैंडल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इनको ढूंढ करके इन पर ट्रेड कर सकते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पर जिसमें इस वक्त अभी 20,000 डॉलर अबव का लाइव बैलेंस है, आप सब देख पा रहे हैं। एंड गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मारुबुजू कैंडल्स के बारे में। एंड गाइज इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो हमारी कैंडल बन रही है वो अभी देख रहे हैं USD करेंसी पर 92% प्रॉफिट रेट पर जो करेंसी इस वक्त अभी बन रही है ये हमारी मारुबुजू कैंडल है, ओके। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी मारुबुजू कैंडल है। आप एंड अब पहले आप देख चुके हो वीडियो में, मैंने आपको बताया कि मारुबुजू कैंडल जिसका कोई भी लेग कोई भी शेडो नहीं दी होती है, ओके। एंड रेड कलर की यानी ब्लैक कलर की मारुबुजू कैंडल्स जब हमारी बनती है तो हम वहाँ हमारा मार्केट डाउन जाता है, डाउन ट्रेंड जाता ही रहता है, ओके।
सो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो रेड कलर की मारू बुजू कैंडल बनी हुई है एंड यहाँ पर कोई भी लाइक कोई भी शेडो नहीं है। मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, जा गया भी है। एंड गाइज मैंने जो ग्रीन कलर की बात की थी, ग्रीन यानी वाइट कलर की मारुबुजू कैंडल, तो गाइज जो हमारे मारुबुजू कैंडल वाइट कलर का बनता है, ग्रीन कलर का बनता है, तो गाइज वहाँ हमारा जो ट्रेंड होता है वो अप की ओर जाता है। ओके सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी मारुबुजू कैंडल बन रही है, अप ट्रेंड में बन रही है। ओके नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनी है, मार्केट कंटिन्यू अप गया है, ये हमारी मारुबुजू कैंडल। एंड गाइज ये हमारी हर लगभग अब मान के चलिए कि 5 मिनट्स में हर मारुबुजू कैंडल हमें दिखाई पड़ती रहती है। ओके हमारी ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, ये हमारी मारुबुजू कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की। ओके व्हाइट कलर की मारुबुजू कैंडल बनी है, यहाँ हमारा मार्केट, यहाँ हमारा ट्रेंड पूरा अप डायरेक्शन की ओर गया है। ओके सो आप देख सकते हैं, देन मैं आप सभी को लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ मारुबुजू कैंडल्स के बारे में। ओके तो मारुबुजू कैंडल्स अभी यहाँ पर डाउन वाली बन चुकी है। ओके देन यहाँ पर जो है रिवर्सल शूटिंग स्टार बन चुका है, यहाँ से ट्रेंड अप डाउन डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा। ओके सो हम यहाँ पर वेट करते हैं कि हमें अगर मैं आप सभी को लाइव दिखा दूँ कि मारुबुजू कैंडल बन जाए तो उस पर ट्रेड करके मैं आप सभी को दिखा दूँ। ओके एंड गाइज जो सेकंड मारुबुजू कैंडल के बारे में बताया मैंने कि जब मारुबुजू कैंडल में खास बात ये रहती है कि जो हमारी मारुबुजू कैंडल बनेगी ना तो उससे जहाँ से हमारी पहली मारुबुजू कैंडल बनना शुरू होगी उससे पहले की जो कैंडल होगी वो हमारी रिवर्सल कलर की होगी। ओके मतलब आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर हमारी रेड कलर की मारुबुजू कैंडल दे रखी है तो उससे पहले की जो कैंडल होगी वो हमारी ग्रीन कलर की होगी। ओके रिवर्सल कलर की होगी। अगर मैं यहीं आपको वाइट कलर की ग्रीन कलर की मारुबुजू कैंडल दिखा दूँ तो दिखा देती हूँ मैं कहाँ पर थी, ये हमारी ये मारुबुजू कैंडल बनी है, देन इससे पहले हमारा रिवर्सल कलर का कैंडल बना है। ओके देन ये हमारी बनी हुई इतनी बड़ी आप देख रहे हैं। ओके कैंडल सारी क्लियरली होगी। एक यहाँ पर हमारी ग्रीन वाली ये मारुबुजू कैंडल बनी है, कोई लाइक कोई बॉडी पार्ट नहीं दे रखा है। इससे पहले जो हमारी बनी है वो हमारी रिवर्सल कलर की कैंडल बनी है। ओके देन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी हमारी मारुबुजू कैंडल बनी है, ये इससे पहले भी रिवर्सल कलर की बनी है। ओके और भी देख लेते हैं, ये हमारी यहाँ पर यहाँ मैंने बताया था आपको यहाँ पर हमारा ड्रैगन फ्लाई बन गया। ओके सो कभी कभी मैक्सिमम बता रही हूँ यहाँ पर हमारी रेड कलर की मारुबुजू बनी है, देन उससे पहले हमारा ग्रीन कलर का बना है। ओके सो आप देख सकते हैं ट्रेंड में। ओके और भी आपको मैं ऐसी सारी क्लियर कर लेती हूँ, यहाँ पर हमारी ये मारुबुजू बनी है देन अब रिवर्सल कलर की बनी हुई है। ओके सो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाती हूँ, शायद कोई मारुबुजू कैंडल बन रही हो। ओके देन मुझे लगता है ये ओके मैं यहाँ पर 2 ट्रेड में डाउन डायरेक्शन की ओर प्रेस की है क्योंकि हमारी यहाँ पर हमारी रेड कलर की मारुबुजू कैंडल देखने को मिली है। ओके आप ये देख सकते हैं ये हमारी रेड कलर की मारुबुजू कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है। ओके सो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड $500 की 2 ट्रेड डाउनवर्ड की ओर मैंने प्रेस की है, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके ट्रेंड हमारा डाउन की ओर चल रहा है, मारुबुजू कैंडल मिल गई है, इसका मतलब हमारा ऑब्वियसली मार्केट हमारा डाउनवर्ड की ओर जाना चाहिए। ओके फिलहाल मार्केट क्या कहता है क्योंकि मैं इस वक्त मैं अबव नाइट के 2:45 मिनट्स पर मैं ट्रेड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। सो गाइज अभी अब रात का 2:30 बज रहा है, 2:45 बज रहा है, आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। ओके ओटीसी का मार्केट है, संडे है, सो ओटीसी के मार्केट पर यू नो गाइज स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस वगैरह बहुत कम परसेंटेज रेट पर फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है बहुत क्लोज पॉइंट पर है, क्या ये किस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मुझे गाइज विन मिली है, ये ट्रेड हमारी दोनों विन आ गई है, बहुत ही क्लोज पॉइंट पर विन आ गई है। देन गाइज फिलहाल यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई देखने को मिला है, सो 2 ट्रेड में और प्रेस करूँगी अपॉर्ड की ओर। ओके सो देखते हैं कि हमें इन दोनों ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज़ में कंटिन्यू मैंने आप सभी के लिए बताई हुई है, हर वीडियो में हर सीरीज़ की वीडियो में मैंने प्रॉपर एक कैंडल के बारे में विस्तार से आप सभी को बताया है, प्रॉपर नॉलेज दी है। ओके सो आप वहाँ से जाकर के आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है गाइज, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने जो ट्रेड अप्लाई की है वो किस तरह से अप्लाई की है, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई देखने को मिला है, रिवर्सल शूटिंग स्टार देखने को मिला है। ओके सो यहाँ पर चांसेस हैं अपॉर्ड की ओर जाने के लिए। ओके फिलहाल हम वेट करते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके 7 सेकेंड्स है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल भी कर रहा है। ओके सो गाइज ये ट्रेड हमें फिलहाल लॉस देखने को मिली है, कोई नहीं हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट ट्रेड वेट करेंगे, कोई मारुबुजू कैंडल हमें देखने को मिल जाए यूआर करेंसी पर, कोई नहीं और कोई करेंसी देख लेते हैं जहाँ पर हमें मारुबुजू कैंडल देखने को मिल जाए। मारुबुजू
तो गाइज फर्स्टली मैम आप सभी को एक बात जो हमेशा बताती हूँ, कई लोग मेरे पास मैसेजेस करते हैं कि मैम मनी मैनेजमेंट को लेकर के वीडियो बना दीजिए कि इस तरह से हम अपना लॉस कवर अप कर सके, लॉस में ना जाए प्रॉपर। वो लोग जो लोग प्रॉफिट कर लेते हैं और प्रॉफिट कर लेने के बाद भी लॉस कर देते हैं, अपना बना बनाया कैपिटल मनी भी लॉस कर देते हैं, ओके प्रॉफिट मनी भी लॉस कर देते हैं। तो गाइज यह हमारी मारुबुजू कैनल बन चुकी है, मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड डाली है, ओके 2000 डॉलर की 4 ट्रेड डाली है, क्योंकि हमारा देखे ग्रीन कलर का मारुबुजू कैंडल देखने को मिला है, ओके आप देख रहे हैं, ओके क्लियरली यहाँ पर हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का मारुबुजू कैंडल देखने को मिला है। मार्केट हमारा श्योर शॉट अबाउट की ओर जाएगा, जाना चाहिए, ओके सो अभी 36.7 हमारे पास 6 सेकेंड्स हैं, 33 सेकेंड्स हैं, देखते हैं, वेट करना है, ओके मार्केट चूंकि ओटीसी का मार्केट है थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी है, ओटीसी का मार्केट है एंड मैंने जो आपको बताया था इजली कि यहाँ पर देखिए आपको दोनों एग्जांपल देखने को मिल गए हैं, ओके हमारी रेड कलर की मारुबुजू कैंडल जो बनी है वो हमारी डाउनवर्ड की ओर, यहाँ पर आप यहाँ या यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड प्रेस करते गाइस विन हो जाती है ओबियसली, क्योंकि राउंड के डाउन 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मार्केट डाउन की ओर गया। कंडीशन मैंने ये भी दी थी कि यहाँ पर जो मारुबुजू कैंडल हमारी बनेगी उससे पहले की जो कैंडल होगी वो हमें रिवर्सल कलर की होगी, ये रेड कलर की हमारी मारुबुजू कैंडल है, इससे पहले जो हमारी कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की है, ओके देन यहाँ पर हमें अगेन मारुबुजू कैंडल देखने को मिली, तो मैंने 2 ट्रेड और प्रेस कर दी पॉट की ओर, ओके सो अगर आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पर जो मारुबुजू कैंडल देखने को मिली है, मारुबुजू कैंडल देखने को मिली है, तो यहाँ पर हमारी जो उससे पहले की कैंडल वो रिवर्सल कलर की है, ओके सो अगर अभी यहाँ पर एक के बाद दूसरी कंटिन्यू हमारी 2 मारुबुजू कैंडल एक साथ एक ही कलर की देखने को मिली है, तो हमारी चांसेस अभी ये है कि हमारी अभी नेक्स्ट कैंडल श्योर शॉट अपवर्ड की ओर जाएगी, क्योंकि ट्रेंड क्योंकि रूल हमारा ये रहता है कि जब भी हमें एक मारुबुजू के साथ दूसरी मारुबुजू कैंडल फ्री देखने को मिलती है, साथ में देखने को मिलती है, एवर इक्वल देखने को मिलती है, तो हमारी तीसरी कैंडल और हो सकता है चांसेस हो कि चौथी कैंडल हमें वही सेम साइज की उसी ट्रेंड में देखने को मिले, ओके सो गाइस ये हमारी श्योर शॉट विन होकर के आ चुकी है, आप सब देख सकते हैं, सो ये हमारी ट्रेड अच्छी खासी विन होकर आ गई है गाइज, ओके देन यहाँ पर 2880 का हमें प्रॉफिट रेट मिल गया है, ओके 20,000 बैलेंस के साथ मैं आप सभी के यहाँ सामने लाइव आई थी, अभी मेरे पास 23 एवब का लाइव बैलेंस है, मैं यहाँ पर अगेन मैं क्लिक करती हूँ अपॉर्ट के लिए, 3 ट्रेड मैं डाल दी हैं, देखते हैं कि इस ट्रेड का मैंने कहा था चांसेस रहते हैं कि एवब अगर हमें 2 कंटिन्यू मारुबुजू कैंडल हमें देखने को मिलती है एक साथ, तो चांसेस हमारे ये रहते हैं कि तीसरी कैंडल और हो सकता है कि चौथी कैंडल भी हमारी उसी ट्रेंड में उसी डायरेक्शन को उसी फ्लो को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में जाए, सो मैंने उसी को फॉलो करते हुए कंटिन्यू मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड $500 की मैंने डाल दी है, एंड गाइज ये भी हमारी अच्छी खासी श्योर शॉट विन होकर के आ जाएगी, है ना सो आप देख रहे हैं कि मारुबुजू कैंडल कितना ज़्यादा हमें कंफर्टेबल है, कितना ज़्यादा इजी है ट्रेड करने के लिए, तो गाइज ये आप सभी को होप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो गाइज 6 सेकेंड है 5 4 3 2 1 देन ये हमारी ट्रेंड अच्छी खासी विन होकर के आ चुकी है, ओके मेरे पास अभी ओके हमने अब अपने 4800 है ना $4,800 का हमने प्रॉफिट कर लिया, ओके देन यहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखिए रिवर्सल हैमर देखने को मिला है, ओके हैंगिंग मैन देखने को मिला है, देन हैंगिंग मैन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है कि हैंगिंग मैन जब हमारा देखने को मिलता है अपॉर्ट पीक पॉइंट पर तो वहाँ हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है डाउनवर्ड की ओर आता है, ओके सो यहाँ इसने देखे ट्रेंड चेंज कर लिया है, फ्लो चेंज कर लिया है और कंटिन्यू मार्केट अप डाउन की ओर जाएगा, ओके यहाँ से हमारा ये जो जिगजैग वाला जो आप देख रहे हैं ट्रेंड बता रहा है ये कंटिन्यू हमारा इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, देन रिवर्सल हैंगिंग मैन बन जाने के बाद हमारा ऑब्वियसली मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाएगा, ओके सो होप्स आप सभी को भाई मारुबुजू कैंडल्स अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो के बीच में मैं आप सभी को ये बताती रहती हूँ, कोई हमें प्रीवियस वीडियो की कोई कैंडल हमें देखने को मिल जाती है तो वो उसके बारे में बताती रहती हूँ गाइज, तो सो अगर आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आप सभी को ये प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आएंगी गाइज, तो पहले की चीज़ों को आपको देखना है समझना है तो आप पहले की वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ओके आप कंटिन्यू आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को देखेंगे तो आपको कंटिन्यू सारी नॉलेज मिलती जाएगी गाइज, तो आप इस तरह से प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, ओके एज अ कोर्स आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ओके सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने बात की थी मारुबुजू कैंडल्स के बारे में, ब्लैक और वाइट मारुबुजू कैंडल मींस रेड और ग्रीन मारुबुजू कैंडल्स के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करके इन पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ क्या होती हैं,
किस तरह से इनके टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम विनिंग निकाल सकते हैं और किस तरह से इनके शोर शॉर्ट्स के सारे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। तो होप्स आप सभी को आज की वीडियो देखने के बाद मारुवुज़ू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स समझ में आ गया होगा। होप्स आप सभी को आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड गाइज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अच्छा वर्क करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए डेली। ओके सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।